दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2021 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए सरकारी नौकरी की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 विभागों में बंपर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं और सभी के लिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 7 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, DSCSM के अंतर्गत ये भर्ती है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बंपर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। टीचर शिक्षक की यहाँ पर भर्ती निकली है। 6,296 वैकेंसीज है। इसमें ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के 3,326 पद है, ग्रेजुएट टीचर साइंस के यहाँ पर 1,512 पद है, ग्रेजुएट टीचर हिंदी के 1,272 पद है, असमीज लैंग्वेज टीचर के यहाँ पर 186 खाली पद है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी 30 सितंबर 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 अक्टूबर 2021 है। बात अगर यहाँ पर इसमें पे स्केल यानी कि सैलरी की जाए तो 14,000 से 60,500 प्रति माह के लिए इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता की अगर इसमें बात की जाए तो डिग्री, पीजी डिग्री, बीए, बीटी, बीएड साथ में सेकेंडरी टीईटी से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम यहां पर 18 वर्ष है। मैक्सिमम एज लिमिट यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है और मैक्सिमम एज यहां पर ईएक्स सर्विसमैन के लिए 42 वर्ष है। ओबीसी एमओबीसी के लिए मैक्सिमम 43 वर्ष है। एससी एसटीपी एसटीएच के लिए यहां पर मैक्सिमम 45 वर्ष है। पीडब्ल्यूडी के लिए मैक्सिमम 50 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है madhyamik.assam.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट की अगर इसमें बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस के यहाँ पर 48 सीट्स है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 अक्टूबर 2021 है। सैलरी की अगर इसमें बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है, आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 7,000 रुपये है। बात अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं पास प्लस आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मिनिमम यहाँ पर 18 वर्ष है। फीस आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी यहाँ पर बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। DRDO.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। VBSPU के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। टोटल यहाँ पर 40 वैकेंसीज है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 अक्टूबर 2021 है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 18 अक्टूबर 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 है। सैलरी की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर के लिए 1,44,200 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पीएचडी डिग्री, मास्टर डिग्री, बीबी टेक, एमबी एम टेक, एमबीए डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज की जानकारी आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। वहाँ तक यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, एसएसटी के लिए 500 है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन इसमें भी आपका बिना एग्जाम के होगा, सीधा इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जौनपुर यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। vbspu.ac.in और vbspurecruitment.in पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, NFL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 17 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 सितंबर 2021 थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 अक्टूबर 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर 2021 है। बात अगर सैलरी की जाए तो यहाँ पर E1, E2, E3, E4 और E5 ग्रेड के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BBTech, BSc इंजीनियरिंग, CACMA, MBA, MBBS से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 40, 45 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप नोटिफिकेशन से मैच कर सकते हो और बाद में अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की जाए तो जनरल ओबीसी EWS के लिए 1000 रुपये E5 ग्रेड के लिए है और जो बाकी की ग्रेड है उनके लिए 700 रुपये यहाँ पर फीस है। SC ST EX सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स को इसमें कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से ही जमा करा सकते हो। सिलेक्शन इसमें भी आपका बिना एग्जाम के किया जाएगा, सीधा इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। nationalfertilizers.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, NCL के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की, यहाँ पर इसके लिए 5 वैकेंसीज निकली है। डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने की डेट 22 सितंबर 2021 थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 अक्टूबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो 25,000 रुपये पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर इसमें शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो मास्टर डिग्री नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस या MVSC और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 35 वर्ष है। फीस आपको इस भर्ती के लिए भी जमा नहीं करनी होगी और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। पुणे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ncl-india.org.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट की अगर बात की जाए तो कैशियर, जूनियर इंजीनियर JEE, रजिस्ट्रार क्लर्क, स्टोर कीपर, सेंट्रल स्टेलिजियल टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। टोटल 5 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नेक्स्ट मंथ यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 नवंबर 2021 है। बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी की जाए तो लेवल 4, 5 और 6 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10वीं पास, ग्रेजुएट, BCom डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 28, 30, 35 वर्ष है। अलग अलग पोस्ट के लिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST के लिए 250 है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा करा सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, सीधा इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। svnirtar.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट AP में। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है।
पोस्ट स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO लास्ट ग्रेड सर्विस की 62 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2021 से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 सितंबर 2021 है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू होगा 11 अक्टूबर 2021 को। बात अगर यहाँ पर सैलरी की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए 22,500 पर मंथ के लिए है, लैब टेक्नीशियन के लिए 19,019 पर मंथ के लिए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए 15,000 है, लास्ट ग्रेड सर्विस के लिए 12,000 पर मंथ के लिए है। बात अगर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं 12वीं पास GNM कोर्स या BSc नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 42 वर्ष है। OC BC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। ST PHEX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फीस है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करा सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। AP आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है, prakasam.ap.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की यानी कि 28 सितंबर 2021 मंगलवार की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।